नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज महेश्वरी, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ ऑफ यूरोलॉजिस्ट के पद पर काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो है प्रोस्टेट। आपने सुना होगा, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो हर आदमी में होती है। हर आदमी में उम्र के साथ ये प्रोस्टेट बढ़ता है। हिंदी में प्रोस्टेट को गदूद कहा जाता है, पर गदूद ये नाम से हम बहुत परिचित नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोस्टेट ही कहेंगे। अगर हम पेशाब के सिस्टम को देखें तो ये पेशाब की थैली है। दो किडनी होती है जहाँ से पेशाब बन के पेशाब की थैली में आती है। एक बार पेशाब की थैली में पेशाब जमा हो जाए, पेशाब की थैली एक पंप है जो पेशाब की थैली को की पेशाब को बाहर निकालता है। वो जो पेशाब है इस ट्यूब के द्वारा, लिंग के द्वारा बाहर आएगी। ये पेशाब की ट्यूब के शुरुआत में ट्यूब के आसपास जो एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। तो पेशाब की जो ट्यूब है ये प्रोस्टेट के अंदर से जाती है। अगर हम इस इमेज में देखें तो ये पेशाब की थैली है, ये पेशाब की ट्यूब है जो प्रोस्टेट के अंदर से जा रही है। सो नॉर्मली जब प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं होता है तब ये प्रोस्टेट इस ट्यूब पर कोई दबाव नहीं करता है और जो पेशाब की ट्यूब है प्रोस्टेट के अंदर खुली रहती है। जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ेगा इस ट्यूब के ऊपर दबाव आना शुरू होता है, ये जो ट्यूब है ये संकुचित हो जाती है, बारीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेशाब में तकलीफ होती है। अगेन हम देखते हैं कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उन्हें रात में कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, उन्हें पेशाब में टाइम लगता है, पेशाब करने में वो बहुत जोर लगाते हैं, कई बार पेशाब उनके कपड़ों में आ जाती है। ये उम्र का तकाजा नहीं है, ये प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से जो हमारे शरीर में बदलाव होते हैं ये उसका नतीजा है। जैसे हमने कहा पेशाब की थैली का काम है एक पंप जैसा जो जोर लगा के पेशाब की थैली को खाली करेगा। अगर ये रुकावट बहुत ज़्यादा है तो ये पंप, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पंप अपने आप को खाली नहीं कर पाएगा और पेशाब की थैली में पेशाब जमा होने लगेगी। जैसे जैसे ये पेशाब की थैली में जमा होना पेशाब बढ़ेगा, एक स्टेज अगेन ऐसी आ सकती है जहाँ पेशाब की थैली में काफ़ी ज़्यादा पेशाब रहे और पेशाब रुक जाए, जहाँ मरीज को कैथेटर लगाने की ज़रूरत पड़े। हमें यह समझना है कि हर आदमी का प्रोस्टेट बढ़ता है पर हर आदमी को ऑपरेशन या इलाज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रोस्टेट बढ़ा है इसलिए आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है। आपको इलाज की ज़रूरत तब है अगर प्रोस्टेट आपको कोई तकलीफ दे तो। तकलीफ मतलब दिन में बार बार जाना, रात में बार बार जाना, पेशाब रोक नहीं पाना, पेशाब करने में बहुत वक्त लगना, पेशाब रुक रुक के आना, जोर लगाने की ज़रूरत पड़ना, पूरी नहीं निकलना, अगर ये तकलीफ है या प्रोस्टेट के कोई हमें कॉम्प्लिकेशंस होने लगे, जैसे हमें पथरी हो जाए या किडनी में सूजन आ जाए या पेशाब में खून आने लगे या बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो, इस तरह की अगर जब हमें तकलीफें हो तभी हमें प्रोस्टेट को इलाज की ज़रूरत है, सिर्फ साइज के इलाज की ज़रूरत नहीं है। आज इलाज भी बहुत अच्छा सुधर गया है, काफ़ी बदल गया है। 70% से ज़्यादा मरीज को हम सिर्फ दवाइयों से इलाज कर सकते हैं। बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है जो बहुत सेफ है और आपको काफ़ी कंफर्टेबल कर सकती है। हाँ, अगर तकलीफ बहुत ज़्यादा है या प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की थैली या किडनी पर कोई नुकसान होना शुरू हो गया है तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जो कन्वेंशनल ऑपरेशन है, जो पुराना ऑपरेशन है, उससे TURP कहते हैं, जहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू प्रोस्टेट के छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं। क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं इसलिए बहुत बड़े प्रोस्टेट को इलाज करना मुश्किल है, ब्लीडिंग की रिस्क है, जो पानी शरीर में जाता है वो हार्ट को नुकसान कर सकता है। इसलिए एक नई ट्रीटमेंट आई है जिसे होल्मियम लेजर इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। ये लेजर टेक्नोलॉजी से जो प्रोस्टेट की पूरी रुकावट है उसे इन्यूक्लेट करते हैं, मतलब कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है, एक सॉफ्ट टिश्यू मॉर्सोलेटर से क्रश करके उसको शरीर के बाहर निकाला जाता है। लेजर के फायदे ये है, ब्लीडिंग नहीं होता। काफ़ी सारे सीनियर मरीज हार्ट की दवाइयों पर रहते हैं, जैसे इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, इन दवाइयों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोस्टेट चाहे कितना भी बड़ा हो लेज़र से निकाला जा सकता है। जो सबसे बड़ा प्रोस्टेट हमने निकाला है वो 300 ग्राम से ज़्यादा है। काफ़ी सारे सीनियर लोग आजकल अपना सेक्शुअल फंक्शन मेंटेन रखना चाहते हैं। लेज़र का फ़ायदा ये है कि आपके इरेक्शन का नुकसान नहीं होगा। सो बड़ा प्रोस्टेट, सेक्शुअल फंक्शन मेंटेन, ब्लीडिंग नहीं है, भर्ती सिर्फ 1.5 से 2 दिन के लिए रहती है और लॉन्ग टर्म के कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रिक्चर या वापस रुकावट होना, इसके चांस भी बहुत कम है। प्रोस्टेट वापस बढ़ने के चांस बहुत कम है। तो हर मरीज ने उम्र के साथ प्रोस्टेट की जांच करना चाहिए। प्रोस्टेट की जांच 2 साल में एक बार बहुत ज़रूरी है।
यूजुअली दवाइयों से इलाज होगा अगर हम सही वक्त पे प्रोस्टेट के डायग्नोसिस करें तो, अगर लेट हो जाए या तकलीफ ज़्यादा हो तो लेज़र से ये इलाज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। धन्यवाद।